नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए नागरिक शास्त्र के तीसरे पाठ संविधान की विशेषताएं उसका स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। स्वाध्याय बताने का उद्देश्य अपना यह है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर लिखने में कठिनाई होती है, उसको आसान बनाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि पहला प्रश्न, संघ राज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ। संघ सरकार के जो अधिकार हैं वो आप देखिए, संघ सरकार, राज्य सरकार, वे विषय जो दोनों सरकारों के पास हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से कौन से विषय किसके पास हैं, कौन से विषय किसके पास हैं, ये संघ सरकार के पास, ये राज्य सरकार के पास, ये दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो यहाँ पे तीनों विषय दिए हुए हैं, ये देखिए। अब दूसरा प्रश्न है, उचित शब्द लिखो, संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली संस्था उसे संघ शासन कहते हैं या केंद्र सरकार भी कहती है। वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है उसका नाम है चुनाव आयोग। दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची उसका नाम है समवर्ती सूची। तीसरा प्रश्न है, लेखन करो, संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएं होती हैं। इसके उत्तर को हमने 3.1 नंबर दिया हुआ है, वह इस प्रकार है, संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं, इसे केंद्र सरकार अथवा संघ शासन कहते हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है और जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को राज्य सरकार यानी राज्य शासन कहते हैं। राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती है, जैसे महाराष्ट्र राज्य सरकार दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को संघ राज्य कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियाँ, इसको हमने 3.2 नंबर दिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ 3.2 नंबर पृष्ठ क्रमांक 72 पर 3.2, इन सूचियों में यानी कौन सी, राज्य सरकार और संघ सूची, इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कौन कौन सी सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन सूचियों को छोड़कर समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए से निर्माण होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है और इस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। ये हो गया। अगला है अपना तीसरा संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, क्यों रखा गया है इसको, इसका उत्तर हम यहाँ पृष्ठ क्रमांक 74 पर है, इसको हमने 3.3 नंबर दिया है। न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े, इसलिए न्यायपालिका को आधिकारिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता। अगला चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि, इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन करो। ये तो क्लास जब संयुक्त रूप से क्लास चलेगी तो वहाँ आयोजन करने का एक, विद्यार्थियों इस विषय को हम सामूहिक रूप से करेंगे जब सभी कक्षा में सभी विद्यार्थी आपस में उसको ग्रुप बनाकर, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उसके बारे में सामूहिक विचार करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र ईवीएम। आजकल जो मतदान होता है आज के समय में हमारे देश में जो बड़े स्तर पर केंद्र सरकार बनाने हेतु, लोकसभा हेतु या विधानसभा हेतु जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया जाता है। इससे लाभ है कि कम समय में अधिक से अधिक लोग वोट कर सकते हैं और उसकी गिनती करने में बहुत आसानी होती है। इसका रिजल्ट आने में, हार जीत का रिजल्ट आने में अधिक समय व्यय नहीं करना पड़ता, इसमें सरकार के पैसे की भी बचत होती है। ये इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।